बिस्मिल्लाह चिड़ियों को दान करती हूँ। नर इन चरिन परिंदों को दे रहा है, मैंने इनको अपनी खुशी से दिया अपने मैसेज। ओ माय गॉड, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप लोग? मैं ठीक हूँ हमेशा की तरह, आप भी उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। अल्लाह ताला आप पे भी रहम करे, मुझ पे भी रहम करे। तो आज जो है हम फैमिली पिकनिक जा रहे हैं, छोटा मोटा अनप्लान्ड, अचानक से हमने सोचा कि पिकनिक क्यों ना जाएं। तो अभी जो है कुछ कुछ चीजें जो बची हैं अब हम बाहर से ले रहे हैं, तो आगे जाके आपसे मिलते हैं। पहले स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए बने रहिए। तो अभी रास्ते में रुक रहे हैं भैया को, तो भैया ने लेट कर दिया है। तो हम वो आए, हाँ आए, अब फोन किया है। अच्छा, तो अभी वेट कर रहे हैं भैया का। तो यहाँ पे इतनी गर्मी, अब छाँव में बैठे हैं, देखो पेड़ के नीचे बैठे हैं, थोड़ा आनंद ले रहे हैं हवा का। दिस इज रेड पाइन, जो मेरे पीछे है किश्तवाड़ का रेड पाइन वाला ट्री है ये। तो हम जो है पहुँच गए हैं जहाँ हमने जाना था, वहाँ पहुँच गए हैं। आप देखो कितना सुंदर है यहाँ से। अभी जस्ट हम उतरे हैं, तो हम इस वाले एरिया में आए। तो ये देखो मेरे हाथ में जो है केक है, इतना सुंदर है यहाँ। वाह वाह माशाल्लाह, इतना सुंदर, मैं क्या बताऊँ आपको। तो अभी जैसे हम पहुँचे हैं, तो अभी थोड़ा चलना है, तो आगे से थोड़ा सा पुल है लकड़ी का, तो वहाँ से आगे हमने जाना है। मैं बताती हूँ आपको, ये देखो यहाँ से आगे जाना है वहाँ की ओर। आप जंगल देख रहे हो, बिल्कुल जंगल के पास हूँ मैं, बिल्कुल जंगल। अब इस वाले पुल से हमने आगे जाना है। पानी पानी देखो, अभी इतनी खतरनाक धूप है ना, क्या बताऊं मैं। आराम से संभल के चलो, तो पानी के बहाव से ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं चिल्ला के कह रही हूँ। ये देखो जन्नत, वाओ। इस साइड भी देखो माशाल्लाह, वहां से गाड़ियां चल रही हैं, और ये जगह भी कितनी सुंदर है। दिखाओ क्या लाए मम्मा, इधर दिखाओ। देखो बिरयानी बनाई हुई है। सुनिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले खाना खाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लेट हो चुका था और इसकी वजह से हमें बहुत भूख भी लगी है। ये देखो ये पास पास में जो घर हैं, और ये जो है कपड़े शपड़े भी यहीं पे धोते हैं। ऐसे करो, हाँ आप क्या खा रहे हो? दही दो मम्मी। अब बिरयानी खानी है मुझे। हमारा पूरा पिकनिक जो है पूरा स्पॉइल हो चुका है, खाओ की तलाश में। मेरा भाई जो है वो प्लेट लेके ना हर जगह जा रहा है बेचारा, इतनी धूप है यहाँ। उधर पेड़ के पीछे छुप गया, अब तो नहीं निकल आया। प्लेट लेके खाया था ना, नहीं है ऐसे प्लेट लेके चल रहा है। मम्मा ने इसके सर के ऊपर टॉवल रखा, आपका दुपट्टा इसके साइड पे है और शोल्डर पे इसको टॉवल भी है, और ये भी अभी छाँव की तलाश में मारे 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 फिर रहे हैं। क्या है ये यार, दिस इज, आप तो कह रहे थे बाथरूम है, वॉशरूम, आप तो कह रहे थे वॉश, उन्होंने वॉशरूम बनाया था। आप अब आप कह रहे हो ये फ्रेश वाटर है, मैं नहीं देखूंगा, खाना लेके कौन अंदर जाएगा यार, मेरी प्लेट तो दे दो यार, मेरे खाना खाना है मुझे। यहाँ पे नल का टाइल्स भी लगा और यहाँ पे इंडियन टॉयलेट भी है, इट मींस दिस इज वॉशरूम, क्या दे आर यूजिंग दिस। साजन मेरा उस पार है, नदिया के पार, ये लोग दिन में 50 बार दफा नहाते हैं। एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में, पानी सामने है बट बेचारे यहाँ पे पानी है बट इनका मुंह खुला के खुला है, अब अगर हम सामने गए तो उड़ जाएंगे। मैं इसको पानी पिलाने जा रही हूं, मेरी उड़ जाएगा, डरता है। मैं अपनी तरफ से ये चिड़ियों को दान करती हूँ, यहाँ पे चरिन परिन नरिन कोई भी है वो खाएगा इसे। तो अभी मैं
अल्लाह के नाम पे यहाँ पे देती हूँ चींटियों को। अच्छा वैसे ये चरिंद परिंद तो सुना था, ये नरिंद कौन सा जानवर है? नरिंद चरिंद परिंदों को दे रहा है। साइड पे डालूंगी अब, रुको। अच्छा अपने नरिंदों को डालो फिर। मेरे को ऊपर से क्या पड़ रहा है, कहीं पुल ना गिर जाए यार। नहीं 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 गिरेगा, ये तुमने नहीं बनाया है। ये नहीं है कि मैंने इनको दिया मेरा पेट भर गया था, नहीं ये ऐसा नहीं है। मैंने इनको अपनी खुशी से दिया, अपने में से दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब केक काटेंगे। चलिए केक काटते हैं। कौन सा अजाब है यार, अपनी वीडियो को देख रही है यार। इधर बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ही ज्यादा धूप। तो हम आए थे छात्रों में एक जगह, क्या बोलते हैं यहाँ पे, आई थिंक गुजर बस्ती। गुजर बस्ती शायद से, मुझे नहीं पूरा पता, बट हाँ यहाँ पे बहुत पहले हम आए थे, गुजर बस्ती बोलते हैं यहाँ पे। तो हम आए थे छात्रों में, हमने सोचा कि अचानक से ही हमें जाने का प्रोग्राम बन गया, तो अभी हमने जस्ट जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें लेट भी हो चुका था काफ़ी, तो हमने क्या किया, हमने जल्दी से खाना खाया। और क्या किया, खाना ही तो खाया, फुलके खाए, फुलके लाए थे, कुछ चिकन चिकन लाया था ग्रेवी वाला, तो हाँ तो हमने वो खा लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो अब क्या करेंगे, भैया बोलता है यहाँ से जाएंगे हम मुगल मैदान जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है। लेकिन अब हो गया, हो गया ना, छाँव हो गया, छाँव हो गया। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये टैन शायद हमें सर्जरी से नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो SPF 60 लगाया। मैंने भी 60 नहीं लगाया, मैंने 40 है, 45 है वो शायद, मैंने 60 वाला लगाया है। लेकिन आपको पता है मुझे, मेरे फेस से ना ऐसे से आग निकल रही है, मुझे मेरा भी फोरहेड बहुत जल रहा है, बट मैंने सुबह बहुत सनस्क्रीन लगाया था। मैंने भी लगाया था, बट मुझे क्या पता रंग में भंग हो जाएगा यहाँ पे यार, हद्दे। यहाँ पे बैंड ही बच गई, बट शेड हो गई है, थैंक गॉड। पीछे से पानी है, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। पहले मैंने पीछे वाले ब्लॉग में भी आपको कहा है, हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है। यहाँ पे खूबसूरती है, लेकिन आपको धूप को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लिप साफ कर रही हूँ, मेरा ड्रेस कौन सा है, मेरी सिस्टर का ड्रेस है, लिप्स ही साफ करती हूँ, उसको क्या ही पता चलेगा। सुन रही है, देखो जगह जगह पे मेरी ड्रेस खराब, नहीं मेरी उसकी ड्रेस पहनी है, कैसी है, मेरी नहीं है, मेरी सिस्टर की है। मैं आधे से ज़्यादा कपड़े इसके पहनती हूँ जब जाना होता है कहीं, क्योंकि जम्मू से मैंने कपड़े नहीं लाए थे, तो मैं मुझे लगा कि हमें क्या कर रहा है, जल्दी वापस जाना है। सुंदर मंदिर है यहाँ पे, सुंदर मंदिर बहुत सुंदर है। थोड़ा मैं पानी में जाऊँ, आपको दिखाऊंगी। आह 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 आह, वाह 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 वाह, जम्मू की सारी गर्मी यहाँ पे छू छू मंतर हो गई। और यहाँ पे फोटो शूट भी हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे जंगल है पूरा, हम पूरे जंगल तक पहुंचे हैं। आ जाओ ना जल्दी, आपको कितना बुलाया मैंने। हाँ, इतने प्यार से बुला रही हूँ, मुझे लगा बोलोगी आओ बहन मैं तेरी फोटो लूंगी। अच्छा आ जाओ, आप मेरी फोटो ही उठा लो। हाँ, मुझे लग रहा था कि मुझे बोलेगी आजा बहन मैं तेरी फोटो लूंगी, तू मुझे बोल रही हो आजा बहन। अब मेरे को उठाएगा यार, हद है, एक तो मुझे मैं उठाने दो। पानी में गिर गई यार, मैं गिर गई, मगर मेरे को बाजू में भी लगी यार, मैं ऐसे गिर गई। देखिए ब्लॉग उठाने के चक्कर में मेरी बहन जख्मी हो सकती थी, इसलिए ब्लॉग बनाइए बट केयरफुली बनाइए। मैंने ऐसे पैर रखा ना यहाँ पे, तो मेरे को क्या हो गया, कोई बात नहीं। हाँ इन पत्थरों पे होती है वो, स्लिप जैसी होती है यार, शुक्र करो ज्यादा नहीं लगी, वरना मैं नहीं आओगे वो वाला हो जाएगा। नहीं अल्लाह ना करे। अभी मैं गिरी, मेरे रिस्ट में दर्द हो रही है, इतने जोर से मैं गिरी ना नीचे, अगर गहरा पानी होता तो मैं पानी के बहाव से ही निकल गई होती, तो अभी मेरी रिस्ट में दर्द हो रही है। तो ये निकल रहे हैं अभी, जो सब निकल रहे हैं, क्योंकि हमने आगे एक जगह पे जाना है। ये है ना, आउच, देखो फिर से, ये है ना, इस वजह से मैं गिर गई। जाते टाइम हवा चल रही है, जब हम आए थे उस टाइम इतनी कड़कती धूप थी। देखो वहां से जा रहे हैं वो, यहाँ से, यहाँ से ये भर के पानी ना घर ले जाते हैं, ये यही पानी यूज करते हैं खाने नाने धोने पीने में।
जल जल के हम राख हो गए वहां पे तो कोयला, तो अब जो है मेरे को पेन हो रही है, तो अभी गिरी ना, अब मुझे पेन हो रही है हाथ पे और टांग में मुझे लग गई, मैं बहुत जोर से। और जब हम निकले ना यहाँ से तब जाके धूप भी गायब हो गई, तब तक इतनी धूप थी ना मेरी आंखें ऐसे नहीं खुल रही थी, ऐसे सबकी आंखें थी। और खाना खा रहे थे, क्या खाया? रास्पबेरीज खाई। को पहचान है? Yes. अच्छी तरह से पहचान है। हाँ, पेड़ों की मुझे पहचान नहीं है। ये क्या बारिश होने लगी? वहाँ पे धूप थी, यहाँ पे अब बारिश, हद है। क्या हो रहा है हमारे साथ? I have just crossed this mini pool. पुल देखो, इतना खतरनाक है पुल। ये देखो यहाँ पे स्विमिंग पूल। आखिर ले ही आया हमारा भाई हमें यहाँ इस स्विमिंग पूल में। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज थी, मैं आपको दिखा नहीं सकती, तो हम साइड पे रख देंगे इसे। तो क्या आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? इस बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि अपने अपने सराउंडिंग्स को गंदा मत कीजिए, साफ रखिए। और ऐसे मतलब ये दूर दूर से यहाँ पे आके गंद डालते हैं, क्या हुआ ऐसे लोगों को? आगे स्विमिंग हो रही है और मैं एंजॉय कर रही हूँ। आप ही तैरो ना, आप क्या वीडियो उठा रहे हो बाकियों को? हम पूल देख रहे हो, पूरा गुलदस्ता मैंने कान के पीछे लगाया हुआ है। यहाँ से मछलियाँ हैं, ये देखो यहाँ पे मछलियाँ हैं। देख तो यहाँ पे जो है एल्पाइन ट्राउट है, एल्पाइन ट्राउट किश्तवाड़ जगह है। ट्राउट में इसमें कोई कांटा नहीं होता है, बिना कांटे की मछली है ये। इसे बोलते हैं मुगल मैदान। मुगल मैदान क्यों बोलते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। मेरे को लगी है प्यास और मुझे कैंटीन नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है बाहर होगा, तो मैंने कैंटीन का पता भी पूछ लिया है। कैंटीन मुझे मिल गई है। मसा मसा मेरी प्याज बुझ गई। बोला मैंने, बोला कि क्या बोलते हैं इसको ना, काम डालो चीनी। केक पूरा का पूरा स्पॉइल हो गया है गर्मी की वजह से, पूरा खराब हो गया, देख लो। इधर इतनी अच्छी हवा चल रही है, तो अब हम बैठे हैं, कुछ ही टाइम के बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से भी। निकलने का तो मन नहीं कर रहा है, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे और अच्छी हवा भी चल रही है। तो ये लोग अभी कुछ फोटो शूट कर रहे हैं फिर से, और मैंने कहा जो भी गार्बेज है वो आप लिफाफे में डाल के डस्टबिन में डालना, ऐसे गंदा नहीं करना। मुगल मैदान यहाँ पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मुगलों का खात्मा हुआ था, इसलिए यहाँ पे मुगल मैदान बोलते हैं। मतलब असल में यहाँ पे मुगल मज़ार है, ये नाम है, इसलिए अभी यहाँ पे मुगल मैदान का नाम से बहुत फेमस हुआ है।